मॉनसून ने अपने तय समय से 6 दिन पहले यानी 2 जुलाई को पूरे देश को कवर कर लिया है। देश के अधिकांश राज्यों में तेज बरसात हो रही है, वहीं पूर्वोत्तर के हिस्से में हालात ज्यादा खराब है। बात की जाए मणिपुर और असम की, तो मणिपुर और असम में बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई है। मणिपुर में स्कूल कॉलेज बृहस्पतिवार तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं नागालैंड में बीते कुछ दिनों में बारिश संबंधी घटनाओं से करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्सों में बिजली और गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी से लेकर बहुत बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बात करें नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम की, तो वहां मेघालय में 4 से 6 जुलाई के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र में 5 से 7 जुलाई के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।